मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गंगा सराय कला गांव में दिनेश कुमार व संजय कुमार से जानकारी प्राप्त हुई कि राजकुमार गंगा सराय कला के निवासी थे। काम करने के लिए महाराष्ट्र के जिला एवतमाल के अहफाज जीनी के पास नीलीपुर रोड पर ट्रक से एक्सीडेंट होने के कारण राजकुमार की मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची महाराष्ट्र पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को एम्बुलेंस सुविधा से उनके घर लाया गया। यहां पर उनकी लाश रखने के बाद घर परिवार में कोहराम समझ गया। गांव के काफी लोग एकत्र हो गए और उनके परिवार को समझाने में लगे हुए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर लालगंज से संवाददाता भूप नारायण की खास रिपोर्ट। भूप नारायण मौर्य, आपको ले चलता हूँ मिर्जापुर जिला के थाना क्षेत्र लालगंज गंगा शहर कला गाँव में। यहाँ एक घटना हुई है, आइए इनसे जानते हैं। भैया आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। ये घटना जो हुई कहाँ हुई? ये घटना नीलापुर रोड वानी आफाज जीने के पास। ये घटना कब हुई? ये घटना 7 बजे शाम 22 तारीख को 22 तारीख को शाम 7 बजे हुई। अच्छा, तो ये घटना कैसे हुई? हम सब गए थे पैसे ट्रांसफ़र करने, और पैसे ट्रांसफर करके लौटे। जब आ रहे थे तो हमने थोड़ा हिसाब करने के लिए रुक गए, धीरे धीरे चलने लगे। पीछे से ट्रक गिराया और उसके यहाँ बाजू में मारा धक्का और गिर गए ऐसे, उसके ऊपर ऐसे कर चलिए। इतना आप देखे। अच्छा, आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने मार्केट गए थे, बैंक में? नहीं, वो जो ग्राम सेवा करता है उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आइए भैया, आपसे भी जानते हैं, आपका क्या नाम है भैया? जी संजय नाम। तो आप ये घटना के बारे में बता रहे हैं, ये घटना सत्य है, आप जानते हैं इसके बारे में? हाँ सत्य है। जब भी घटना हुआ उसके 20 मिनट पहले हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया, क्योंकि हमारे वो जीजा थे। आपके वो जीजा थे, वहाँ से आपको फ़ोन द्वारा जानकारी मिली यहाँ? हाँ। अच्छा, ये लाश वहाँ से यहाँ कैसे आई? ये वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पे, वहाँ से पहले तो आने नहीं दे रहे थे, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद वहाँ से सब कुछ कागज पुर्जा बनने के बाद वहाँ से रिफर किया। अच्छा, तो किस गाड़ी से आया है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस से आया है। चलिए ठीक है, आपसे भी जानते हैं। अभी कुछ कहना चाहती हैं? ये घटना जब हुआ अब उनके भतारी बुलाओ। चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर से भूप नारायण की खास रिपोर्ट।